देखो देखो, मेरे बगीचे में कौन आया है? मैं बड़ी हैरानी से एक टक इस राजसी चाल वाले पक्षी को देखे जा रही थी। गहरा चमकीला काला रंग, बड़ा ही हैंडसम पक्षी, मानो मेरे बाग का, गार्डन का इंस्पेक्शन करने आया हो। चाल में इतना रौब और पूंछ में ऐसी कसावट, मानो कोई शाही पक्षी अपने घोंसले से उड़ कर आया है। आज हम जानेंगे हमारे आसपास पाए जाने वाले इस बड़े ही शानदार पक्षी के बारे में। कमड़ी कुकर कुबो, कुकुहा सोराई, दाहुका काली काका और महोक, स्थानीय लोग इसे कई नामों से जानते हैं। अंग्रेजी में इसे ग्रेटर कोकुल या क्रोफिजेंट के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिक इसे सेंट्रोपस साइनेंसिस के नाम से जानते हैं। आकार में ये कौवे से थोड़ा बड़ा पक्षी होता है। रंग अत्यधिक चमकीला काला होता है। यह एशिया में भारत, दक्षिणी चीन, इंडोनेशिया के कई जगहों में पाया जाता है। यह खुले मैदानों और पहाड़ी भागों का पक्षी है और प्रायः उक शब्द जैसे थोड़े थोड़े समय पर बोले जाने वाले शब्दों का उच्चारण करता है। यह एक दूसरा शब्द भी बोलता है जो थोड़ा सा छोटा होता है, जिसे कू कू के उच्चारण के समान लगता है, जो प्रति सेकंड 2 या 3 के हिसाब से 6 से 20 बार सुनाई पड़ता है। इसका आहार छोटे कीड़े, सांप, छिपकलियां, जंगली चूहे, केचुए, बिच्छू, गिरगिट आदि होते हैं। साथ ही साथ यह बीजों का, फलों का और दूसरे पक्षियों के अंडों को भी खाना बहुत पसंद करता है। वयस्क के पास चमकदार काले बैंगनी सिर और शरीर होता है। ऊपरी सतह पर पंख चमकीले होते हैं और काले रंग के होते हैं। काफी लंबी चमकदार गहरे रंग की पूंछ होती है और एक विशिष्ट फीचर इनके अंदर होता है, जो कि है चेस्टनट, यानी कि तांबे के रंग के काले पंख। वयस्कों के चेस्टनट और काले रंग के बीच का अंतर बहुत विशिष्ट होता है। इसकी चोंच काफी भारी और मजबूत होती है। आंखें गहरी लाल होती हैं। पैर गहरे भूरे रंग के होते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही समान दिखते हैं। इनकी पूंछ लंबी और इनके ऊपरी सतह के तांबे के गहरे भूरे रंग के पंख इनकी विशिष्ट पहचान है। यह कौवे की तरह तो होता ही है, साथ ही साथ जंगलों से लेकर खेतों में और शहरों में आराम से आपको दिखाई दे जाएगा। वैसे ये एक कमजोर उड़ने वाला पक्षी होता है, इसलिए ये चलना ज्यादा पसंद करता है। इसको आप चलते हुए देख सकते हैं। लंबी उड़ान भरने के लिए ये पहले चलकर एक टहनी से दूसरी टहनी से तीसरी टहनी पर पहुंचकर और फिर एकाएक बड़ी तेज गति से गहरे जंगल में गायब हो जाते हैं। आमतौर पर ये काफी शाये होते हैं। जुवेनाइल के सीने के हिस्सों पर काले रंग की धारियां होती हैं और काले भागों पर पीले रंग की धारियां होती हैं, जिससे आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हैं। ग्रेटर कूप का घोंसला एक बड़े गोलेकार, काफी गहरा और हरी घास की पत्तियों, टहनियों और तनों के बीच इस कदर बांधा जाता है कि इसे आप आसानी से पहचान नहीं सकते। ये हमेशा ही हरा रहता है और इसकी संरचना इस तरीके से की जाती है कि इसके अंदर जाने का भी एक विशेष द्वार ही पक्षी छोड़ता है। ग्रेटर कोकुल अक्सर घने वनस्पति में छुपा हुआ रहता है। कभी कभी शाम को भोजन की तलाश में यह आपको आसानी से घूमता हुआ दिख जाएगा। भारत में प्राय इसे किसी भी कार्य की या किसी यात्रा की शुरुआत में देखा जाना काफी शुभ माना जाता है, पर मेरा मानना ये है कि किसी भी जीव, व्यक्ति या पक्षी या जानवर को शुभ अशुभ जैसी चीज़ों से जोड़ना बिल्कुल गलत है। सभी जीव एक समान हैं और किसी को भी समय के शगुन या अपशगुन से जोड़ना नहीं चाहिए। मुझे आशा है जब भी आपको ये पक्षी दिखाई देगा तो आप इसे एक पल में पहचान लेंगे। इसके ग्रेटर कोकुल या क्रोफेजेंट के नाम से जाना जाता है। इसके स्थानीय नाम भी बहुत सारे हैं। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक इसे सेंट्रोपस साइनेंसिस कहते हैं।
जो इसकी खास पहचान है वो है इसका गहरा काला चमकीला रंग, इसके सिर के पास गहरे बैंगनी काले रंग की जो छाप है वो आपको आसानी से इसे पहचानने में मदद कर देगी। दूसरा चेस्टनट ब्राउन यानी तांबे के रंग के गहरे चमकीले ऊपरी सतह के पंख इसे एक विशिष्ट पहचान देते हैं। जब भी आपको ग्रेटर कोकल दिखाई दे तो इसकी फ़ोटो खींचिए, वीडियो बनाइए और इसकी आवाज़ रिकॉर्ड करके आप अपने पास अपने कलेक्शन में स्टोर कर सकते हैं और हमारे साथ भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि क्या आप इस पक्षी को पहचान पाए। आज हमें सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद। हम आते रहेंगे ऐसे ही अपने आसपास के पक्षियों की जानकारी लेकर। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।